जिला गुरदासपुर के गांव आड़िया में 1 मार्च को श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ को लेकर गाँव वासियों और सिख संगठनों में विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया था कि लड़ाई में 3 गाँव वासी गंभीर हालत में जख्मी हुए थे। आज 1 मार्च से लड़ीवार करवाए गए श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठों का भोग डाला गया है। इस अवसर पर हजारों की संख्या में संगत ने हाजिरी लगाई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठों के भोग के बाद अटूट लंगर वितरित किया गया। सिख संगत विच बड़ी श्रद्धा के थां थां देते गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ करवा के सिख संगत गुरमति नाल। और मैं समझदी हां सरदार सुच्चा सिंह जी लंगाह जथेदार साहब ने हमेशा ही सिखां दे विच बहुत वड्डी गुरमति दी प्रचार करा के ते सिखां नूं सिद्धांतिक तौर दे उत्ते बड़ी वड्डी रूह फूकी है कि हमेशा एकता विच रहो। नाल ये भी मेरी बेनती है कि जेडे लोग मड़िया मसाणा दे उत्ते जां बुत पूजा विच पए है उन्हां तों भी सानूं गुरेज करना चाहिए। पर क्योंकि इत्थे इन्हां दी इक्को ही गल सी कि जे किसे नूं कोई इतराज़ सी उन्हां नूं आके लंगाह साहिब नूं दसना चाहिए सीगा कि साडा इह इतराज़ है कि असीं इह इस गल नूं तुहाडे नाल मतभेद दूर करना चाहुंदे। मतभेद तां हुंदा कि जे इत्थे गुरु ग्रंथ जे इत्थे कोई मड़ी मसाण हुंदी जां किसे दी कबर हुंदी सो इस करके जिहड़ी जगह बिल्कुल निवेकली बना के कोई हाल बनिया उहदे विच प्रकाश कीता संगत गुरमत दा प्रचार करना चाहुंदी है अखंड पाठ साहिब करवाउणा चाहुंदी है। असीं गुरु तों क्यों बेमुख करिए लोकां नूं। सो इस करके सारी संगत नूं होए एकत्र मिलो मेरे भाई दुविधा दूर करो लिबलाई दे महावाक अनुसार सानूं सारे नूं इकट्ठे होके एकता विच रहना चाहिए ना कि शरारती अंसर आके कौम दे विच पाड़े पावे ते जुलम करे लोकां दे उत्ते क्योंकि तलवार जिहड़ी है जुलम करन वास्ते नहीं है तलवार जिहड़ी है जुलम नूं खत्म करन वास्ते है। देखो गल है भी क्या सी अग्गे सिंह कह रहे कि जो तुहानूं पुछिया सी ना भी दिल्ली किदां रहेगा ते असीं कहिंदे 35 सीटां जित्ता गए 35 दे जित्ते सी। हुण भी सरकार श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी दी सरदार प्रकाश सिंह बादल दी सरकार बनेगी और सरदार सुखबीर सिंह बादल दी अगवाई हेठ जो मार के मारे है तरक्की दे विकास दे जो गुरु घर दीआं सेवावां कीतीआं जो यादगारां बनाईआं लोग उन्हां नूं प्रवान करदे है जो सुविधावां दित्तीआं लोग उन्हां ते मोहर लाणगे। समागम दे विच इलाके दीआं हजारां दी गिणती संगतां इकट्ठ होईआं क्योंकि पिछले दिन इत्थे इक बहुत वड्डी घटना वापर गई जिस करके सत्कार कमेटी दे नाल संबंधित कुछ लोग जिन्हां ने आ के इत्थे संगतां दे कुछ सट्टा लाईआं इलाके दे विच बहुत वड्डा ए दुखांत वापरिया और संगतां भी भय भीत सन जिस करके जथेदार सुच्चा सिंह लंगाह ने इत्थे उपराला करके जो समागम कराया अखंड पाठ होए दास नूं भी इत्थे बुलाया। ये ठीक है कि साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी किसी मड़ी मसाणी किसी कबर किसी जगह के उत्ते प्रकाश नहीं हो सकते पर जिस जगह का किसी मड़ी मसाणी किसी कबर आदिक दे नाल संबंधित ही नहीं उहदे ते प्रकाश करन वास्ते भी जे संगतां दे सामने कोई इतराज आउंदा है वह इतराज अकाल तख्त साहिब दे उत्ते लजाया जावे क्योंकि अकाल तख्त साहिब दे वल्लों इक आदेश किया गया है कि सरकार कमेटी दे सिंघ जिथे भी किते कोई लोड़ पैंदी है घटना वापरन तो पहलों हल्के दे मैंबर साहब श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी या हल्के दे जो प्रचारक ने श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी हर हल्के दे विच ने उन्हां दे नाल संपर्क करन उन्हां नूं नाल लै के फिर उत्थे जे कोई गल करनी उह वी उन्हां नूं प्यार नाल समझा के जिहड़ियां त्रुटियां उह दूर करवाईआं जाण और कोशिश की जाए कि गुरु घरां दे विच गुरुद्वारे साहिबानां दे विच अखंड पाठ किए जाण लंगर भावें कोई अपनी जगह दे उत्ते ला लवे वह गल वक्री है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे सत्कार वास्ते ये सानू सारे नूं ध्यान देना चाहीदा है। अकाल तख्त साहिब दे अनुसार कोई भी घटना है जो हलका मैंबर साहिब दे और हलका प्रचारक दे ध्यान विच लिआंदी जावे जां अकाल तख्त साहिब दे उत्ते शिकायत की जावे असीं उत्थे ड्यूटी ला के सिंघां नूं भेजदे हां ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਕਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਬਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਥਾਂ ਵਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਆ
ਇਹਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਬਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।